वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुर्मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अल्फाबेट सी के बारे में आपको बताएंगे। सी क्या होता है? ए बी सी, यानी कि सी अल्फाबेट में तीसरा नंबर आता है। इसका नंबर भी तीन ही है, और चूंकि सी नाम वाले आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे, ये ज़्यादातर अंग्रेज़ों के नाम में सी का कुछ प्रयोग होता है, जैसे कि एक देश हुआ, कनाडा हुआ या कोलंबिया इत्यादि हैं जो सी से होते हैं, लेकिन लोगों के नाम में सी का प्रयोग बहुत कम होता है। ज़्यादातर आप सी के साथ यच को जोड़ा हुआ पाएंगे, यानी कि यच का नंबर 5 आता है, सी का नंबर 3 आता है, टोटल 8 होता है। तो ये लोग, चूंकि चा नाम आ जाता है हिंदी में, तो ये लोग यात्रा बहुत करते हैं, दूर दूर की यात्रा करते हैं, और जहाँ तक है अपने धन को बचाने में बहुत चालाक होते हैं। यह न अंक या ये सी से जो शब्द चालू होता है, ये इतना रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं कि आप कितना भी इनके साथ गुप्त से गुप्त मित्रता रखें तो भी आप इनके बहुत से राज कभी नहीं जान पाएंगे। कारण क्या है कि ये लोगों से इतना मृदुल स्वभाव करें कि बातचीत करेंगे कि सामने वाले से उसका सारा राज उगलवा लेंगे, लेकिन अपनी बात को इतनी सफाई से बचा ले जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति बताना क्या चाहता था और बताने क्या लगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, अपने धन को बचाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस इनका रहता ही है, ये इनकी बचपन से आदत होती है। अब चूंकि ये लोग रहस्यमयी के साथ साथ ये है कि ये किसी का एहसान नहीं मानते हैं। आप अगर इनके ऊपर कभी खर्चा करेंगे या कभी इनको कुछ खिलाया पिलाया या कुछ भी इनका मदद किया, समय आने पे ये आपको उससे अधिक मदद करेंगे, उससे अधिक सहायता करेंगे, यानी कि ये कोई भी एहसान अपने सिर पे रखने वाले नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका क्रोध सिर्फ पारिवारिक जीवन में होता है, बाहर ये क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे गुपचुप तरीके से रहेंगे कि अगर आप इनको गुस्सा भी दिलाओ तो ये वैसे तो कभी कभी बड़बोलेपन होते हैं, लेकिन ये शारीरिक रूप से लड़ाई झगड़े से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके मित्रों की वैसे तो अच्छी टोली होती है, मित्रों के साथ उठना बैठना, मित्रों के साथ टहलना घूमना, ये सब भी होता है, लेकिन ये है कि ये यात्रा बहुत करते हैं और उसमें धार्मिक यात्रा इनका विशेष होता है। और टहलने घूमने के अलावा भी ये जिस भी काम में जाते हैं, कृषि कार्य हुआ, व्यापार का काम हुआ या राजनीति में भी गए, तो ये अपना मुकाम खुद अपने बलबूते पे अर्जित करते हैं। इनको किसी से कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जहाँ तक है कि ये दूसरों की सहायता तो करते हैं, लेकिन मौका प्रस्त होते हैं, समय आने पे उसका ये पूरा बदला वापस लेते हैं, यानी कि ये एहसान करेंगे लेकिन एहसान का बदला एहसान से ही लेंगे। अब क्योंकि सी यच की जो स्त्रियाँ होती हैं ये बड़बोलीपन होती हैं, सुंदर होती हैं, गोल चेहरा होता है, बालों की बड़ी शौकीन होती हैं, लेकिन ये हमेशा अपने पतियों पर दबदबा बना के रखती हैं। इनके पति को जहाँ भी कोई सामान खरीदना है, पत्नी से बिना सलाह मशवरा के अगर ये कोई चीज़ ले आए तो कुछ ना कुछ ये उसमें कमी जरूर निकाल देती हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो सामाजिक स्तर पर उनकी भी एक सहेलियों की अच्छी खासी टोली होती है। पढ़ने लिखने में भी ये होशियार होती हैं, ज़्यादातर ये साइंस वगैरह में अधिक सफलता प्राप्त करती हैं। कोई भी अनुसंधान रिसर्च का क्षेत्र हुआ उसमें सी या सी एच वाले बहुत सफल होते हैं। लिखने पढ़ने में, चूंकि ये लिखने पढ़ने में थोड़े लापरवाह होते हैं, ये अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन शुरू शुरू में पढ़ाई लिखाई में जितना ध्यान देते हैं, आगे चल के थोड़ा इनका मोह भंग होने लगता है, लेकिन फिर भी अगर ये कोई चीज़ ठान लेते हैं तो उस पर पूरी तरह से ये पढ़ाई भी करते हैं और आगे चल के उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। हाँ, यह है कि इनका चूँकि रोमांस का क्षेत्र एक सीमित होता है, दोस्ती बहुत रखेंगे लेकिन किसी के साथ ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं,
अपना कार्य हो गया तो 9, 2, 11 इनको आप समझ के चलिए। ये लोग काम और दाम दोनों पर ध्यान रखते हैं। काम हुआ नहीं कि दाम इनको तुरंत चाहिए, इंतजार करने में ये थोड़ा कम विश्वास करते हैं। हाँ, जहाँ तक रही कि इनको अगर कोई साझेदारी का काम करते हैं तो उसमें ये पूर्ण रूप से भागीदारी के साथ पूरा सहयोग करते हैं और उसमें आगे चल के उस क्षेत्र को, बिजनेस को, कंपनी को बहुत आगे तक ले जाते हैं। हाँ, मेहनत के क्षेत्र में, समय के मामले में, समय के ये पाबंद होते हैं। आपको जो समय में बोलेंगे उस समय में ये आएंगे और मेहनत में भी ये पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन चूंकि कहीं कहीं ये राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखते हैं और उसमें सफलता भी पाते हैं, लेकिन यह है कि उसमें संघर्ष इनको अधिक करना पड़ता है। नौकरी के क्षेत्र में देखा जाए तो नौकरी में ये जहाँ भी टिकते हैं नौकरी करते ही जाते हैं, धीरे धीरे इनका प्रमोशन भी होता है, ये ज़्यादा स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, यह है कि यात्रा के दौरान भी ये कुछ ना कुछ नए नए विचार, नई नई योग अनुसंधान करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और उसमें इनको सफलता भी मिलेगा। ये जिसको जो सलाह देंगे वो सलाह अगर सामने वाला मानता है तो उसमें सफल होता है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो भी कुल मिला के ठीक ठाक होता है, कोई बहुत बड़ी कलह नहीं होती है, जीवन संबंध बहुत अच्छा होता है, इनका जीवन साथी भी अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और दोनों मिलजुल कर जीवन को बहुत प्रेम से जीते हैं। पिता के ये बड़े आज्ञाकारी होते हैं, माता का भी ये सम्मान करते हैं और भाइयों का भी इनको सुख मिलता है, भाइयों की अपेक्षा बहनों का भी इनको सुख मिलता है, परंतु भाई अधिक होते हैं। अब जहाँ तक इनके लेन देन की बात किया जाए तो लेन देन में बहुत होशियार होते हैं, इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, लेन देन इनके जवानी ये ना भी लिखें तो भी आप समझ लीजिए कि इनका दिमाग बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह चलता है, कोई भी होगा तुरंत जवाब हाजिर है। तो अपना लेन देन में भी बहुत सतर्क होते हैं, बिजनेस में सफल होते हैं, इनको ज़्यादातर कृषि कार्यों में भी बहुत उन्नति करते देखा गया है और जो भी काम में ये हाथ डालते हैं उसमें इनको सफलता मिलना ही है क्योंकि ये मेहनती बहुत होते हैं। मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को सी लोगों के बारे में जो बताया है वो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे मैं आशा करता हूँ, वृक्ष लगाओ, पुण्य कमाओ और जल ही जीवन है, इसका ध्यान रखते हुए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।